तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं श्रेष्ठा फिनवेस्ट की, एक NBFC कंपनी की। दोस्तों इसमें आज बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, नियरली 3% के अराउंड तेज़ी हुई है। ये स्टॉक 0.70 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके भी लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं, देख लेते हैं कि इस स्टॉक में आजकल क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, नए आए हो हमारे चैनल को, आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों पिछले कुछ मंथ से इस स्टॉक में गिरावट ही चल रही थी। देख सकते हो ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई जो कि 1.28 का है, वहाँ से काफ़ी गिर चुका है, और इसका जो 52 वीक लो है 0.949 का है। तो लोअर लेवल से एक रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिली है। इसका मार्केट कैप देखें 113 करोड़ के अराउंड है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 3.45 की है, और प्राइस टू बुक रेशियो देखें 0.82 की है। तो ये जो स्टॉक है अपनी फेयर वैल्यू से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, ऊपर से ROE परसेंटेज देखो वो भी 24% के अराउंड है। तो फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट हैं, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी, जैसे आपको पता है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, दैट इज़ श्रेष्ठा फूड, SRESTHA फिनवेस्ट, ये कंपनी है, इसका नाम है फिनवेस्ट, जैसे नाम से क्लियर है, एक NBFC सेक्टर की कंपनी है। आज इस स्टॉक में बाई की क्वांटिटी 2.64 करोड़ की है, जबकि सेल की क्वांटिटी 2.24 करोड़ की है। तो मिक्स ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला हुआ है दोस्तों। और इसका यदि कॉर्पोरेट एक्शन देखें, ये जो स्टॉक है 9th मंथ में आप देख सकते हो कि एक स्टॉक स्प्लिट भी दे चुका है, ये आपको नोट करना है। ये देखो 29 सितंबर 2024 को ये जो स्टॉक है स्प्लिट दे चुका है। पहले राइट इशू का भी आया था 24 जून को, बोनस दिया था 2018 में, और 16 में इसने स्टॉक स्प्लिट दिया था। तो कंपनी अपने निवेशकों को बनाजा देती रहती है। जून क्वार्टर के नंबर्स देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला था। देख सकते हो मार्च के मुकाबले जून में कंपनी का जो रेवेन्यू है 5 से बढ़कर 39 मिलियंस में हो गया था। नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया था 5 से 31, और EPS भी जो है वो भी बढ़ गया था। तो जून के क्वार्टर के नंबर बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये जो कंपनी है ये फंड रेज पे काम कर सकती है। तो जैसे पहले भी इन्होंने एक एजेंडा लेके आए थे कि ये जो कंपनी है उसके बोर्ड की मीटिंग यहाँ पे देख सकते हो 14th 11th को होने जा रही है, जिसमें ये जो कंपनी है डिफरेंट इश्यूज डिस्कस करेगी। तो 14th 11th 2024 को कंपनी के जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो सकते हैं। एंड सेकंड जो एजेंडा है, दैट इज़ टू कंसिडर एंड टेक ऑन रिकॉर्ड अदर कंप्लाइंस रिलेटेड मैटर्स पर्टेनिंग टू द क्वार्टर एंडेड ऑन द 30/9/2024 एंड अदर बिजनेस प्रोपोजिशंस मैटर रिलेटेड टू द सेम एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर द इंटीमेशन ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो बोर्ड की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, कोई फंड रेजिंग का भी प्लान आ सकता है क्योंकि लास्ट क्वार्टर भी डिस्कस हुआ था, ऊपर से फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ही बढ़िया रहे थे। तो आने वाले टाइम में भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ठीक रहने के चांसेस हैं, क्योंकि जीरो ऑन जीरो बेसिस पे भी देखो कंपनी के नंबर्स, पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बताए हैं, यहाँ पे यदि आप जीरो ऑन जीरो बेसिस पे देखो तो यहाँ पे भी रेवेन्यू, इनकम और नेट मार्जिन बहुत ही बड़ी ग्रोथ शो कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आया है। तो नेक्स्ट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी इसके रिजल्ट्स पे। यदि रिजल्ट्स बढ़िया आ गए तो फिर ये स्टॉक जो है एक रिकवरी के मोड में दिख सकता है। अपने ऑल टाइम हाई जो कि यहाँ पे 1 ईयर का हाई देखें तो 1.22 का है, तो ये स्टॉक 1.22 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे पहले इसके रिजल्ट्स देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए कल भी इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी 1 मंथ का चार्ट देखें तो इसमें कंसोलिडेशन बनी हुई है, क्योंकि लोग भी अभी जो है वो वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। तो आप भी इसकी वेट कर लो, जैसे ही नंबर आएंगे जरूर हम आपको कवरेज करके रिजल्ट्स पे राय देंगे। लेकिन दोस्तों नए आए हो फिर यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक्स।